वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लॉक मैन्युफैक्चरर। तो दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, हमारे गुजरात में ही नहीं, हमारे इंडिया में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉल क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। किसका? तो के अजंता का। ओके, तो मैं आपको वॉल क्लॉक, एक LED वॉल क्लॉक, मैं उसी अजंता की एक LED वॉल क्लॉक मैं आपके लिए लाया हूँ, जो कि अभी मॉडल्स आया है, नया है। ओके, तो उसे हम अनबॉक्सिंग करेंगे और ये आपको क्यों लेनी चाहिए और कितने में आपको पड़ेगी वो सब मैं दिखाऊंगा, और आपको मैं इसकी टाइमिंग वगैरह भी दिखा दूंगा और उसके फंक्शंस क्या है वो भी दिखा दूंगा। ओके, तो वीडियो में बने रहिए। ओके, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने क्लॉक स्टार्ट की है। ओके, तो ऐसा लुक्स आ रहा है, स्टार्टिंग बहुत ही बढ़िया दिख रही है। वाओ, कितने को पसंद आई प्लीज़ उसके बारे में कमेंट कीजिए। ओके, और बहुत ही स्लिम है, देखिए आप, बहुत ही लाजवाब है। तो दोस्तों, इसका मॉडल नंबर है DC127। ओके, ये डिजिटल क्लॉक में है। ओके, तो DC लगता है। और दूसरी बात बता दूँ आपको यहाँ पे फीचर्स की, इसकी तो यहाँ पे फीचर्स में टाइम दिया गया है बेसिक, और यहाँ पे टेम्परेचर्स दिया गया है। ओके, यहाँ पे अभी टेम्परेचर दिख नहीं रहा, तो ये भी सस्पेंस है कि हम टेम्परेचर यहाँ पे कैसे देख पाएंगे। और दूसरी बात कि यहाँ पे 5 मोड फंक्शन दिए गए हैं। तो देखिए आप, यहाँ पे 5 मोड्स फंक्शन दिए गए हैं, तो हम ये चेक करते हैं उस। ओके, तो दोस्तों आपको इसको बैक साइड दिखा दूँ यहाँ पे, तो बैक साइड यहाँ पे वो फ्यूज़ दिया गया है। ओके, 2 एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ होगा यहाँ पे, और यहाँ पे उसके राइट साइड टेम्परेचर सेंसर दिया गया है। ओके, और यहाँ से टाइमिंग फंक्शन कैसे सेट करते हैं वो दिया गया है, और मोड फंक्शन सिलेक्शन कैसे होता है, और यहाँ पे क्या क्या फीचर्स है वो दिए गए हैं। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट में 5 सेकेंड, 12 आवर में टाइम, 24 आवर में टाइम, और टेम्परेचर 5 सेकेंड। तो ये एक सस्पेंस है, मुझे भी नहीं पता, तो इसे हम सेट करेंगे, पांचों फंक्शन चेक करेंगे। ओके, और दूसरा यहाँ पे नीचे की साइड यहाँ पे इसकी बैकअप की बैटरी लगती है, तो बैकअप की बैटरी यहाँ पे बैकअप इसके लिए कि अगर लाइट चली जाए तो इसका टाइम चेंज ना हो, इसके लिए बैटरी लगानी पड़ती है। ओके, और यहाँ पे बेसिक हमारे 4 की दी गई है टाइमिंग सेट करने के लिए। ओके, एक रीसेट की है, एक मोड की है, एक शेड बटन की है, और दूसरी टाइम अप करने की है। ओके, अप। तो दोस्तों ये पीछे की साइड का व्यू, और अब हम चलते हैं आगे की तरफ, इसे आपको फंक्शंस दिखा दूँ, पांचों फंक्शंस टाइम। तो आप पहला ये लुक्स देख पा रहे होंगे। ओके, यहाँ पे हावर्स है, मिनट है और सेकेंड है। अब दूसरी बात करें तो यहाँ पे 5 मोड्स दिए गए, तो हम यहाँ सेट करते हैं कैसे सेट होंगे। तो पहले हम सेट का बटन दबा के रखते हैं, और अभी हमारा टाइम हुआ है उस हिसाब से हम चेक करते हैं, 10:40 है, तो पहले हम 10 बजा देते हैं। अगर 10 बज गए और 40 मिनट, तो 40 मिनट सेट हो गई, और यहाँ पे सेकंड सेट हो गई। ओके, तो अब यहाँ पे टाइमिंग कैसे, टेम्परेचर टाइम तो सेट हो गया, तो टेम्परेचर कैसे देखेंगे? तो टेम्परेचर देखने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे बैक साइड मोड का बटन है वो दबा के रखना है, और जैसे ही मोड का बटन दबा के रखोगे तो यहाँ पे ऐसा 1 लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, तो जैसे ही दोस्तों आप मोड का बटन दबाओगे तो यहाँ पे 1 फंक्शन लिखाएगा। ओके, तो 1 आया तो हमारा जो रेगुलर टाइम अभी जो चल रहा है वो टाइम शो होगा। ओके, तो वापस मोड दबाओगे तो यहाँ पे 2 सिलेक्ट करोगे। ओके, 2 सिलेक्ट हो गया, वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। तो 2 सिलेक्ट करोगे तो ये टाइम जो है हमारा 24 आवर में टाइम हो जाएगा। ओके, तो आपको
यहाँ पे टाइम लिखा है। और दूसरी बात बताओ, इसमें क्या है, 15 सेकेंड आप गिनो, 15 सेकेंड में ये टाइम टेम्परेचर आपको शो होगा। देखिए आप, यहाँ पे 15 आएगी तो यहाँ पे टेम्परेचर दिखेगा, यहाँ पे देखिए आप। देखिए ये 15 सेकेंड हो गए और यहाँ पे टाइम टेम्परेचर दिखा रहा है, ओके। और टेम्परेचर 5 सेकेंड रहेगा, ओके, और उसके बाद वापस टाइम दिखेगा। बहुत ही बढ़िया फंक्शन है ये। और वापस हम मूव दबाएंगे तो यहाँ पे थर्ड नंबर सिलेक्ट करेंगे, तो थर्ड जैसे सिलेक्ट होगा तो वापस हमारा 12 आवर्स में टाइम दिखेगा दिखेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या फंक्शंस है वो पीछे की साइड लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम पीछे की साइड। यहाँ पे थर्ड नंबर में सिलेक्ट करेंगे तो 12 आवर्स में ही टाइम दिखता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे शो नहीं होगा, अब थर्ड नंबर पे सिलेक्ट किया है, ओके। तो हम वापस यहाँ पे देख लेते हैं फोर्थ नंबर जो है, तो फोर्थ नंबर कंटिन्यूस 24 आवर्स में टाइम दिखेगा, ओके। तो वापस हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमने थर्ड चेक किया और फोर्थ चेक और सिलेक्ट करेंगे फोर्वा फंक्शन, तो यहाँ पे 24 आवर्स में टाइम दिखेगा, ओके। तो यहाँ पे 10:45 हो चुके हैं, ओके। और वापस हम सिलेक्ट करेंगे फंक्शंस 5 का, ओके। तो 5 हम सिलेक्ट करा, ये डिटेक्ट हो गया। तो 5 का फंक्शन, जो 5 फंक्शन है उसमें लास्ट वाला फंक्शन 5 नंबर का है, तो वो सिलेक्ट करेंगे तो ओनली टेम्परेचर दिखेगा, ओके। ये बहुत ही बढ़िया यूज़फुल है, जहाँ साइंटिस्ट लोगों को बहुत ही यूज़फुल है ये क्लॉक, जैसे कि ओनली यहाँ पे उन लोगों को टाइम टेम्परेचर वगैरह की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे सेल्सियस में दिखेगा टाइम टेम्परेचर, ओके। तो ये बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पे हमारा रूम टेम्परेचर दिखा रहा है 30 सेल्सियस, ओके। तो दोस्तों ये क्लॉक में आपको मैंने दिखा दिया है टाइमिंग कैसे सेट करते हैं, ओके। इसमें फंक्शंस क्या क्या है वो भी दिखा दिए, ओके। और दूसरी बात कि यहाँ पे ये जो क्लॉक्स है ये बहुत ही यूजफुल है, किन किन लोगों को ये क्लॉक लेनी चाहिए, ओके। तो ये क्लॉक बेसिकली आपको आपके बजट में आ रही हो तो 1000 से 1500 तक की रेंज हो तो आप बिल्कुल इसे खरीद सकते हो। इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी प्राइस आपको मैं मेंशन करवा दूँ, तो यहाँ पे इसकी प्राइस है ₹1150 MRP प्राइस है, ओके। आपके कम बजट में आने वाली क्लॉक है, ओके। तो प्लीज़ अगर आपको किसी को गिफ्ट देनी हो, घर में, ऑफिस में लगानी हो, कहीं भी हॉल में लगानी हो, ओके, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। किसी रेस्टोरेंट्स में या बार में या किसी शॉप पे लगानी हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि आप किसी को गिफ्ट करना चाहो तो ये गिफ्ट देने में और कम बजट में बहुत ही यूज़फुल आइटम है, ओके। तो बहुत ही यूज़फुल है। तो दोस्तों मैं आपको बेसिक सी बात बताई, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।